बात करेंगे एक और एहतजाज के हवाले से, तो अपोजिशन का भी महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। एहतजाज में मुस्लिम इग्नून और दीगर अपोजिशन जमातों के कारकुनान की शिरकत रही। कारकुनान का अपने हाथों में सब्जियां उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की गई। मजीद सूरत हाल जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत बताइए। अजी मुतहदा अपोजिशन की लाहौर रहबत कमेटी जो है उसने गुज़श्ता रोज ये फैसला किया था कि महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा और आज शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है जिसमें मुस्लिम यून जमीयत उलमा इस्लाम से और दीगर जो अपोजिशन जमातों के कारकुन शरीक है। कारकुनान ने जो है हाथों में सब्जियां उठा रखी है क्योंकि इस वक्त महंगाई में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासर हो रही है वो घर का किचन मुतासर हो रहा है और सब्जी और जो फल है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे अपोजिशन सराहता एहतजाज है और जो दीगर अशियाए दुनिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्ले कार्ड उठा रखे हैं और वक्ते वक्ते से कारकुन जो है हुकूमत को हद में तनकीद बनाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और जो आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी भी उसकी पहुंच से बाहर हो रही है इसके हवाले से ये हुकूमत जो है मुनाफाखोरों और जखीरांदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। जी ठीक है, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। लियाकत अंसारी बहुत शुक्रिया आपका।